हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन जी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। वॉइस क्लियर है मेरी? आवाज साफ आ रही है सभी को? राइट, चलो एक मिनट देना बस। चलो सर, स्टार्ट करें डिस्कशन। हेलो हाय सभी को, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके, तो आज यार थोड़े बहुत टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही मतलब एज ए प्रैक्टिस कह लो, टेस्ट कह लो, जस्ट टू चेक कि भाई ये टॉपिक हमें कितना अच्छे से आता है। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने आज एक रेशो का टेस्ट रखा है। सबको गुड इवनिंग। ओके, शुरू करें डिस्कशन। चलो तो आते हैं टेस्ट के ऊपर। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कोई बच्चा पहली बार ये जो मैं लाइव टेस्ट रखता रहता हूँ, पहले बहुत रखे, ये वाले मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना, आई गेस पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुई है। तो इस तरह के टेस्ट जैसे मैं पहले भी काफी बार मैंने रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का सीन क्या है। बाकी मैं आपको एक सिस्टमेटिक रूटीन भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज तो ऐसे ही मैंने कहा चलो एक रैंडम जस्ट एक टेस्ट रख लेते हैं। बाकी इसका प्रॉपर एक थोड़ा सा ना रूटीन वगैरह की लाइक मैं 2-3 दिन पहले आपको बता दूंगा कि मैं कौन से चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, और जो मैंने टाइम टेबल दिया था आप लोगों को याद होगा, उसी रूटीन पे मैं टेस्ट रखूंगा। ठीक है, डन। ओके, फिलहाल शुरू करते हैं। आज एक ऐसे ही मतलब आज का टेस्ट आप ऐसे ले लो, एक ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, जस्ट बाकी एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक पैटर्न से भी मैं शुरू करूंगा अभी। आज एक रैंडम ट्रायल, ऐसे मैंने सोचा चलिए यार एक टेस्ट रखते हैं शाम को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेलर है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं रखे आज मैंने, कि पहले टेस्ट में मूड ना खराब हो जाए सबका कि छोड़ यार एक भी नहीं हुआ, आगे से कभी नहीं आएंगे टेस्ट देने। ठीक है, तो वैसा वाला फील ना आ जाए किसी को। खैर, फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, शुरू करते हैं सर आज का डिस्कशन। अच्छा, बाकी देख लेना, अनअकैडमी की साइड से फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो बेसिकली अगर आप कैट 23 के स्टूडेंट हो तो आप अपना 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 2 महीने फ्री मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन आपको बैठेगा कितना, 19,500 का। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2 महीने फ्री, सब्सक्रिप्शन बैठेगा 30,000 का। और अगर कोई कैट 24 का स्टूडेंट है तो वो अपना 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, 21,000 का बैठेगा। देख लो फर्क कितना ज्यादा है। ठीक है, कैट 23 वालों का 6 महीने का 19,000 और कैट 24 18 मंथ का 21,000 रुपए। तो ये अच्छा है। खैर, अगर आपके नोन में कोई बंदा है कैट 24 का तो आप उसे बता सकते हैं, मतलब कोई स्टूडेंट है सॉरी, तो आप उसे बता सकते हो। कैट 24 वालों के लिए मेरा एक न्यू बैच आ रहा है, 24 वाले बच्चों के लिए 15 जून से बैच स्टार्ट होगा, इसमें मैं आपको दिखूंगा, पढ़ाता हूँ। तो अगर आपकी नोन में कोई है आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, वो आ करके इस बैच में इनरोल कर सकता है। ठीक है, आयुष आप ही हो? सर मैं ही हूँ वो कैट 24 का। चलो बढ़िया, शुरू करते हैं सर डिस्कशन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, पोल क्रिएट करता हूँ। टेस्ट का ओवरऑल तरीका ये है कि पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा, आप लोग ट्राई करना, देन मैं उसका आंसर बताऊंगा कैसे होगा। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको शो करूंगा विद टाइमर, आप ट्राई करना, फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। राइट, चल आते हैं सर पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन अपने इंडियन कैप्टन के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, धोनी के साथ शुरू करते हैं, दैट इज क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग ट्राई करें। एक सेकेंड, इंडियन कैप्टन भी बोल रहा हूँ मैं, अब तो शायद नहीं है। 6, 6.25, 7.25 और 7.5। 2 मिनट दे रहा हूं मैं पूरे, प्लीज कोई तुक्केबाजी मत करना, तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, पूरे 2 मिनट मैंने दिए तो कोई भी रैंडम तुक्के मत मारना, तरीके से सॉल्व करना, आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख लेना क्या कह रहा है कि धोनी इज एन एथलीट ऑब्वियसली। ठीक है, व्हाइल रनिंग द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न By him is directly proportional to the square root of his speed.
अगर वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो फिक्स है, मतलब जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वो डिस्टेंस अगर फिक्स है, तो यहाँ पर उस सेंस में बोला गया है कि कितनी कैलोरीज वो बर्न करेगा, दैट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड। इफ ही रन एट 10 किलोमीटर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, तो नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न इज इक्वल टू 2400, और ऑन अ पर्टिकुलर डे ही रन एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड बर्न 1800 कैलोरीज। तो बताओ उसने डिस्टेंस कितना रन किया। थोड़ा सा टाइमर में बढ़ा देता हूँ, आई गेस कुछ बच्चों को कम टाइम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। सही है विजय, बहुत अच्छे। कर लिया सब बढ़िया। ठीक है, मतलब लास्ट मोमेंट पे भी कई बच्चों के आंसर हैं। खैर एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धोनी एक एथलीट है और जब वो रन करता है, वाइल रनिंग द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय हिम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हिज स्पीड। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैलोरी जितनी भी बर्न होती हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड, स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, अगर आप डिस्टेंस को फिक्स कर दो तो इन दोनों का आपस में ये रिलेशन है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करते थे, और वहां मैं कहता हूँ कि भाई स्पीड आपकी कॉन्स्टेंट है, अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है तो हम लोग कहते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो ये कोशिश की जा रही है कि भाई अगर मैं बात करूं कैलोरीज जो बर्न हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड, कंडीशन अगर डिस्टेंस फिक्स है तो। बढ़िया, फिर कहता है कि अगर वो 10 किलोमीटर रन करता है, अगर धोनी 10 किलोमीटर रन करता है एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, तो जो नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न होती है इज इक्वल टू 2400। ठीक है, और ऑन अ पर्टिकुलर डे ही रन एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और जो कैलोरीज बर्न करी हैं वो है 1800, तो बताओ डिस्टेंस कितना रन किया है। ठीक है, जैसे ये वाला जो सिनेरियो है, अगर पहला केस देखें तो पहले केस में कैलोरीज कितनी बर्न करी हैं, दैट इज सर 2400 बर्न करी हैं कैलोरीज, जिस दौरान स्पीड कितनी थी सर 25 थी और डिस्टेंस कितना था, दैट इज सर 10 था। अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो यहां पर कैलोरीज कितनी बर्न की गई है, दैट इज 1800, और जो स्पीड है वो कितनी है 36 है, और आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। आई होप यार ये बात आप सभी को क्लियर है, पहले तो ये बता देना मुझे, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं किसी को भी, राइट। बढ़िया, अब यहां पर हम देखते हैं कि सर इनका आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, ठीक है, एक काम करते हैं इसको ना रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी ना अपने को डी नहीं पता। जैसे अगर आप एक चीज देखो तो एक छोटा सा पॉइंट समझना, जैसे मैंने कहा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और मैंने कहा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल
मान लो कि अगर मैं कहता हूं a इक्वल टू b इंटू सी, राइट। अब मान लो ये कॉन्स्टेंट पार्ट c है मेरा। अब इमेजिन करो अगर b आपका कॉन्स्टेंट है, अगर b कॉन्स्टेंट है तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c होगा, मानते सभी। लेकिन अगर मान लो यही b इधर होता a के साथ, यानी a इंटू b इक्वल टू c होता और आपका b कॉन्स्टेंट होता, तो इन दैट केस a प्रोपोर्शनल टू c होता, मानते ना सभी। मतलब यहां पर हमें प्रॉपर फॉर्मूला नहीं पता लग रहा, हमें ये नहीं पता लग रहा कि डिस्टेंस किधर की साइड है। मतलब ये तो पता है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, देखो दोनों केस में a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c यहां पर भी है, लेकिन b क्या पता c के साथ मल्टीप्लाई में या क्या पता a के साथ मल्टीप्लाई में, वो हमें क्लैरिटी नहीं है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि d है कहां पर, ठीक है ना। ये बात आई होप यहां तक सभी को क्लियर है, उम्मीद कर सकता हूं इस बात की, राइट है। चल बढ़िया, तो अब यहां पर एक बात हम लोग समझते हैं। हाँ, अब यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं, पहले तो इनका रिलेशन देखते हैं, क्योंकि इसने बोला था कि जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड है। अगर आप स्पीड का स्क्वायर रूट निकालो, सपोज इस वाली स्पीड का स्क्वायर रूट देखो तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस वाली स्पीड का स्क्वायर रूट देखोगे तो वो कितना आएगा, दैट इज 6 आएगा, राइट। अब यहां पर अगर मैं फॉर्मूला क्रिएट, अब यहां पर कितना लिखा, 2400 लिखा है, ठीक है। यहां पर कितना लिखा, 2400 लिखा है, यहां पर आपका 5 लिखा है, यहां पर आपका डी है, और साथ में हो भी सकता है कि कोई एक के नाम का कोई कांस्टेंट भी इसमें कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा, तो भी डिपेंड। मतलब प्रॉपर फॉर्मूला नहीं पता हमें, बस इतना पता है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है अगर आपका डिस्टेंस फिक्स होता है तो। अब डिपेंड ये भी करता है कि क्या पता वहां पर कोई कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट नंबर भी तो आ सकता है ना, अगर हम देखें समझे बात को। जैसे होता है ना फॉर्मूला कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब वेरिएबल तो वी आर स्क्वायर एच है, लेकिन एक पाई नाम का कांस्टेंट भी तो वहां पे बैठा है जिसकी वजह से कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है, राइट। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपको डी पता है, आपको सी पता है, राइट। आपको इतना पता है कि यार एक तरफ 2400 है, एक तरफ मेरा अंडर रूट मतलब अंडर रूट 25 से 5 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 25 से मेरा 5 आ जाएगा। अब आपको ये d जो है वो 10 चाहिए, और आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो। अगर मैं एक रैंडम ट्रायल की बात करूं, अगर रैंडम तरीके से बच्चा सॉल्व करे तो d की वैल्यू 10 आनी चाहिए। अब ये d 10 कैसे आ सकता है, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, सारी बात वहां पे चली जाएगी। तो या तो हम रैंडम कोई हिडन ट्रायल करके फॉर्मूला लगा के 10 आंसर निकालें, या एक छोटी सी चीज हम लोग और यहां पे कर सकते हैं, वो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। उसका मैं एक आइडिया आपको और दे दूं, वॉइस आ रही है मेरी, आवाज आ रही है, ठीक है ना वॉइस, अच्छा सॉरी यार, ओके सॉरी, वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। खैर दोबारा से एक बार यार समझ लेते हैं क्वेश्चन को। खैर यहां पर एक बार दोबारा समझना, तो यहां पर पॉइंट ये था कि सर यहां पर दो केसेस हैं, ठीक है। एक तरफ है कि मतलब पहला सिनेरियो जो था वो ये था कि सर जो एक कनेक्शन हमें ये पता है कि जो कैलोरीज बर्न की गई हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ स्पीड, ठीक है। फिर मुझे पता है कि सर जब ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, अगर मैं 10 किलोमीटर जब ये भागता है, लेकिन कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर अगर ये भागेगा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न होंगी वो 2400 है। फिर क्वेश्चन ये कि कितना किलोमीटर ट्रैवल करे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ताकि ये 1800 की कैलोरी बर्न करे। अब देखो प्रॉब्लम जो है इस क्वेश्चन में, अब प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला डिफाइन नहीं हो पा रहा। फॉर्मूले आपको ये बात क्लियर है, आप लोगों ने ऐसे प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन करे होंगे, पर इसमें दिक्कत क्या है कि प्रॉपर फॉर्मूला क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, लेकिन उसके बाद डिस्टेंस कहां पर है हमें ये नहीं पता। फिर क्या पता कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू भी यहाँ पे ट्रेवल कर रही हो, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन में दो डेटा दिया जाता है,
दो डेटा देने से हमें कॉन्स्टेंट नंबर पता लगता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसका। अब आप इसको कैसे एक और समझदारी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कह रहा है कि अगर आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड की बात करो, अगर आप डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट कर दो, कोई एक फिक्स डिस्टेंस ले लो, तो जो आपकी नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न हो रही है वो स्पीड के साथ क्या होंगी, स्क्वायर रूट पे ट्रेवल करेंगी। तो अगर मान लो मैं ये मान के चलता हूं कि यार मैं एक किलोमीटर की अगर बात करूं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक किलोमीटर की बात करूं, एक किलोमीटर अगर धोनी 25 की स्पीड से भाग रहा है और वहीं एक किलोमीटर वो 36 की स्पीड से भाग रहा है, मतलब एक किलोमीटर के लिए अगर स्पीड कितनी है, दैट इज 25 और 36 है, तो जो कैलोरीज बर्न होंगी वो कितनी होंगी, अंडर रूट 25 और अंडर रूट 36। तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 और यहां पर आ जाएगा 6। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, कि अगर मैं सिर्फ एक किलोमीटर की बात करूं तो एक किलोमीटर अगर मैं इससे ट्रैवल कराता हूं, एक किलोमीटर अगर धोनी ट्रैवल करेगा तो उसकी जो कैलोरीज बर्न होंगी वो 5-6 के रेशो में होंगी, राइट। अब मुझे कहीं ना कहीं पता है, तो भाई चाहे आप एक किलोमीटर ट्रैवल कराओ, चाहे आप इससे 10 किलोमीटर ट्रैवल कराओ, जो इसकी कैलोरीज का रेशो होगा वो तो 5-6 ही होगा। तो चाहे आप एक किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करो, चाहे आप 10 किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करो, क्योंकि इसने बोला अगर आप डिस्टेंस को फिक्स लेते हो, मतलब आप दो केसेस लेते हो, पर दोनों केस में अगर आप डिस्टेंस को फिक्स कर दोगे तो जो कैलोरीज बर्न होंगी वो अंडर रूट स्पीड पे चलेंगी। अब मैंने दो केस उठा लिए, एक जब उसकी स्पीड 25 है, एक जब उसकी स्पीड 36 है, और मैंने दोनों केस लिए 10 किलोमीटर वाले। और मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ना ये जो स्पीड है ना, इस स्पीड को कांस्टेंट करूंगा। आप ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या करूंगा, स्पीड को कांस्टेंट करूंगा। और मेरा थॉट ये होगा कि भाई पहले देखते हैं 10 किलोमीटर पे 25 की स्पीड से बंदा 2400 की कैलोरी बर्न कर रहा है, तो अगर ये 10 किलोमीटर 36 की स्पीड से चले तो ये कितनी कैलोरी बर्न करेगा, ताकि मुझे एग्जैक्ट डेटा पता लगे। ये तो रेशियो वाइज है डेटा, मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि भाई 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2400 है, मल्टीप्लाई कितने से होगा, 480 से होगा। तो सेम 480 मैंने यहां पर भी मल्टीप्लाई किया, ये आपका 0 हो गया, ये 8280 हो गया। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि 10 किलोमीटर अगर धोनी 10 किलोमीटर 36 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर 36 की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो 2880 की कैलोरी बर्न करेगा। तो आप ये बताओ, अगर वो 36 की स्पीड से 1800 की कैलोरीज बर्न कर रहा है तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। अब आसान हो गया क्वेश्चन, यस और नो, अब क्वेश्चन आसान है। बेसिकली हमने क्या करा, ये जो दोनों केसेस है ना, क्योंकि मुझे 1800 की कैलोरी में कितना डिस्टेंस होगा वो बताना है, तो मैंने यहां पर स्पीड 36 है ना, तो मैंने ये चेक करा कि 10 किलोमीटर अगर वो 36 की स्पीड से चलेगा तो कितनी कैलोरी बर्न करेगा, वहां से मुझे ये पता लग जाएगा 1800 कैलोरी के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, राइट है। अब यहां पर आपको पता है सर 10 किलोमीटर में वो कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है, 2880, आपको कैलोरी कितनी बर्न करवानी है, 1800। तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं कि अगर मैं बात करूं कि यार एक यूनिट की अगर मैं बात करूं, भाई एक कैलोरी बर्न करने के लिए, एक कैलोरी अगर 36 की स्पीड है, अगर मैं स्पीड को 36 कर दूं तो एक कैलोरी बर्न करने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक कैलोरी बर्न करने के लिए, दैट इज 10/2880, एक कैलोरी बर्न करने के लिए उसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 10/2880। तो 1800 की कैलोरी बर्न करने के लिए कितना करना पड़ेगा, इनटू 1800। ये बात समझ आई, दोबारा देख लेते हैं। अगर आप 36 की स्पीड पे ही चेक करो तो ये 2880 की कैलोरी बर्न कर रहा है 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में, तो एक कैलोरी बर्न करेगा 10/2880 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो अगर कैलोरी बर्न करनी है 1800, तो 1800 कैलोरी बर्न करने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 10/2880 इनटू में 1800, यानी आंसर देख लेना 6.25 था ये आंसर, राइट ना। जहां तक मुझे याद है, हाँ 6.25। क्या ये बात क्लियर है सभी को, लास्ट पार्ट समझ गए, कोई नहीं अश्विन, मुझे पता है और भी कई बच्चों को नहीं समझ आया होगा, एक बार दोबारा देख लेना। क्वेश्चन में कुल मिला के ये था कि जो कैलोरी बर्न होती है ना, जो एक कैलोरी बर्न होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट स्पीड पे। अब यहाँ पर दो केसेस दिए गए, पहला केस ये बोला गया कि जब धोनी 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता है, भागता है, कितना 10 किलोमीटर भागता है, तो वो कैलोरी बर्न करता है 2400। ये बताओ कि धोनी 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे ताकि वो कैलोरी बर्न कर दे कितनी, दैट इज 1800। तो यहां पर हमने किया क्या, ध्यान से समझना, यहां पर अपन ने किया ये कि मैं ये चेक करूंगा, क्योंकि मुझे जो फाइनल आंसर निकालना है वो बताना है 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे, मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो कितनी स्पीड पे करनी है, 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे अपनी कैलकुलेशन को करना है, ठीक है अश्मित, ये बात क्लियर है सभी बच्चों को।
कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड के हिसाब से बताना है, ठीक है ना, कि इतने की स्पीड से 1800 की कैलोरी बर्न करनी है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एक बात समझी, क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई थी कि जब ये डिस्टेंस फिक्स है, अगर आप डिस्टेंस को फिक्स कर दो तो जो कैलोरीज बर्न है ना वो अंडर रूट स्पीड पे डिपेंड करती है, अंडर रूट एस पे डिपेंड करती है अगर फिक्स डिस्टेंस है। तो आपने यहाँ पे दो केस उठाए, आपने दो केस देखे क्योंकि आप दो स्पीड दिख रही है, एक 25 की एक 36 की। तो आपने कहा सर एक केस में उठाता हूँ 25 की स्पीड वाला, एक में उठाता हूँ 36 की स्पीड वाला, ठीक है। तो अगर सर स्पीड मान लो 25 और 36 है, ठीक, तो कैलोरीज कितनी बर्न होगी, अगर स्पीड का रेशो 25-36 है तो कैलोरी जो बर्न हो रही है उसका रेशो क्या होगा, क्योंकि जो कैलोरीज बर्न होती है वो अंडर रूट एस पे डिपेंड करती है, रूट स्पीड, तो यानी अंडर रूट 25 और अंडर रूट 36 बोले तो 5 और 6। लेकिन ये फिक्स डिस्टेंस पे है और वो फिक्स डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, क्योंकि आप रेशो निकाल रहे हो, आप एक कंपैरिजन निकाल रहे हो, ठीक है, आप निकाल रहे हो रेशो। तो आपने मान लो ये कैलकुलेशन करी है 10 किलोमीटर पे, आपने मान लो ये जो 10 किलोमीटर था ना इसी पर आपने कैलकुलेशन करी है। अच्छा अब मुझे पता है कि 10 किलोमीटर जब वो 25 की स्पीड से ट्रैवल करता है तो कैलोरी बर्न करता है 2400, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 2400 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 2880 होगी, क्यों, क्योंकि कनेक्ट हो रहा है, 2400 को आप 5 से डिवाइड करो 480 आएगा, तो यही 480 आप यहां पे कर देना, आंसर 2880। डन है, यहां पर आगे समझना, एक मिनट रुकना, नकुल कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ नकुल, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको दो स्पीड चाहिए ना, 25 और 36, मैं ये बोल रहा था सर अगर हम 10 किलोमीटर भागे तो भी हम 25 की स्पीड से भागते हैं पहले सिनेरियो में, हां 10 की स्पीड से भागे, क्या बोला आपने, मतलब अगर हम डिस्टेंस को चेंज भी करेंगे तो हमारा स्पीड कांस्टेंट है एज पर द क्वेश्चन, कि हमारा स्पीड चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, मतलब क्वेश्चन के लिए जैसे सर इसमें स्पीड दिया हुआ है हमें कि सेकंड केस में जो स्पीड दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, अगर हम 5 किलोमीटर भागेंगे तो भी हम स्पीड से भाग रहे हैं, मतलब अगर हमें एक्स निकालना है, हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है कि हम कितने डिस्टेंस में 1800 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम जितना भी स्पीड भागेंगे हम कॉन्स्टेंट, मतलब जितना भी डिस्टेंस भागेंगे इसी स्पीड से भागेंगे 36 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम कैलोरीज की तरफ ना लेके डिस्टेंस स्पीड की तरफ ले तो ही सेंस बनता है, मतलब जैसे आपने बोला था कि हमें क्वेश्चन में नहीं पता कि हम डिस्टेंस को किस तरफ लेंगे, सी की साइड में लेंगे या फिर एस की साइड में लेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है, बट अगर हम इसको एस की साइड में लेंगे तो ही ज्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि कैलोरीज जो होंगी जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमारी स्पीड के साथ तो ज्यादा बर्न होती जाएंगी, है ना, तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं इस सिनेरियो में, बाकी अगर कोई और सिचुएशन होगी तो आई थिंक आपका आइडिया बेस्ट है इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट आई थिंक इस सिनेरियो में सर हम ले सकते हैं ना डिस्टेंस को स्पीड के साथ, मतलब ये कहना चाह रहे हो सर क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस हम भागेंगे हमारी कैलोरीज उतनी ज्यादा बर्न होंगी, ज्यादा बर्न होंगी दोनों आपस में, उस सेंस में आप सही कह रहे हो, उस सेंस में सही कह रहे हो। और लेकिन यहाँ पर फिर वो भी आ जाता नकुल कि इस तरीके से अगर हम ये फॉर्मूला बनाने की सोचें कि यार सी इज इक्वल टू डी अंडर रूट एस, तो उससे आंसर नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि पक्की बात है इसमें कोई कॉन्स्टेंट नंबर भी यूज हो रहा है, जैसे यू नो फॉर्मूले होते हैं ना वॉल्यूम का, लाइक पाई आर स्क्वायर एच, जैसे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन एक ये पाई नाम का नंबर आ गया जिसकी वजह से कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा, राइट सर, यहां पे तो आंसर जैसे अगर हम दोनों बाकी जो पॉइंट, ठीक है मैं ये नकुल वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि सर जैसे आपने ये बोला, वो पॉइंट ये रख रहा है कि सर जैसे आपने ये बात बोली कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई जो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एस, है ना, लेकिन अब हमें यह नहीं पता कि जो डिस्टेंस है वो कहां लेंगे, डिस्टेंस यहां पर भी हो सकता है और डिस्टेंस यहां पर भी हो सकता है, लेकिन उसका यह कहना है कि सर हम जितना ज्यादा डिस्टेंस भागते हैं, अगर मान लो सर आप डी को इधर ले लेते हो, सी के साथ ले लेते हो, ठीक है, तो सर फिर ये रिलेशन निकलेगा कि आप जितना ज्यादा डिस्टेंस भागोगे कैलोरीज उतनी कम बर्न होगी, जबकि ये तो गलत है, डिस्टेंस हम जितना ज्यादा भागते हैं हमारी कैलोरीज उतनी ज्यादा बर्न होती है, राइट है जी बात, तो उस सेंस में कहना चाह रहा है कि जो डी है वो आपका एस की तरफ आएगा, क्लियर बात अभी विपिन खुशी, लेकिन अब पॉइंट ये आता है, लेकिन फॉर्मूला अभी भी हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि फॉर्मूले के लिए आना चाहिए इक्वल टू का साइन, पर इक्वल टू में नंबर, क्या हो गया आज कनेक्शन को,
पर इक्वल टू में नंबर क्या आएगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि कई बार कुछ कांस्टेंट नंबर भी यूज हो जाते हैं, जैसे 10 20 50 100 कुछ यूज हो जाते हैं, पर वो हमें नहीं पता है। डन है, बात क्लियर है सभी को? ओके चलो अब मैं सॉल्यूशन पे बात कर लेता हूं, जो सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा था। ठीक है, तो अब मैं सॉल्यूशन पे बात कर लेता हूं। तो सॉल्यूशन मेरा कहां गया, हां मैं यहां पे बात कर रहा था। तो मैंने पॉइंट ये रखा कि यार जो मुझे, हां मनीष बोलो सर, के की वैल्यू निकाल लेंगे ना फर्स्ट इक्वेशन से, पॉसिबल नहीं है? किसकी? के की वैल्यू? हाँ, c is directly proportional to s and c is equal to kds, और अपन तीनों वैल्यूज डिस्टेंस, अच्छा मतलब d हमें पता है हम कहाँ पर लेंगे वगैरह, उस सेंस में कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, अगर लेकिन वहाँ पर लेकिन किसकी, k की वैल्यू निकालोगे? चलो एक बार मैं वो भी बता ही देता हूँ, ठीक है, या पहले मैं एक बार वो सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता हूँ अपना जो मैं बता रहा था। यस ठीक है, मैं एक बार सॉल्यूशन कंप्लीट करता हूँ फिर बता देता हूँ। ठीक है, ओके तो यहां पर देखना, तो यहां पर मेरा पॉइंट ये था कि यार मुद्दा कुल मिला के ये है कि जब धोनी 36 की स्पीड से भागेगा, जब धोनी 36 की स्पीड से भागेगा तो वो कितनी कैलोरी बर्न करेगा। पॉइंट तो कुल मिला के ये है ना, सॉरी, कि जब धोनी 36 की स्पीड से भागता है तो 1800 कैलोरी बर्न करने के लिए उसे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा है 36 की स्पीड से भागना। ठीक है, तो मैंने कुल मिला के बस ये चेक करा कि भाई जब 30 मुझे 36 की स्पीड से डेटा मिल गया कि जब बंदा 36 की स्पीड से भागता है तो 10 किलोमीटर भागने पर वो कैलोरी बर्न करता है 2880। तो अब मुझे बताना है कि 36 की स्पीड से 1800 की कैलोरी बर्न करने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा, बस उस सेंस में क्वेश्चन। क्लियर है बात सभी को? तो अब 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जब वो 10 किलोमीटर भागता है तो वो कैलोरी कितनी बर्न करता है, 2880। तो 36 की स्पीड से 1 किलोमीटर भागने पे कैलोरी कितनी बर्न होगी, 2880 अपॉन में 10 हो जाएगी। ठीक है, तो 1800 की कैलोरी अगर आपको बर्न करनी है, एक तो मुझे कैलोरी पे रखना है क्वेश्चन, तो इसको इधर कर दो क्योंकि मेन कैलोरीज पे बताना है। तो अगर उसे 1 कैलोरी बर्न करनी है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 10 अपॉन में 2880। तो आपको ये बताना है कि 1800 की कैलोरी बर्न करने के लिए डिस्टेंस कितना होगा, तो सर 10 अपॉन 2880 इनटू में 1800, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। डन है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो अब आते हैं सुबह सर की सवाल एग्जैक्टली सुभाशीष। ठीक है, अब उसी पे मैं आता हूं। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं जो मैं स्टार्टिंग में आपको के वाली बात कह रहा था, अब मैं उस सॉल्यूशन की बात करता हूं। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को देखना, यहां पर अगला हमारा आता है, जैसे हम लोग प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जब करते हैं उस पॉइंट को समझते हैं। देखो अगला पॉइंट ये आता है कि सर सबसे पहला कैलोरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एस। अब सर एक इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है, बट द पॉइंट इज डिस्टेंस आएगा कहां पर। अब सर डिस्टेंस में ये डिपेंड करता है, क्योंकि वो बात बीच में नेट चला गया था तो अब मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं। अब डिस्टेंस में डिपेंड करता है कि भाई डिस्टेंस आएगा कहां पर, सी की साइड आएगा या एस की साइड आएगा। ठीक है, अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन का सिनेरियो है वहां पर हम इस थॉट पे जा सकते हैं, जैसे भी एक बच्चे ने भी बोला था नकुल ने, कि हम डिस्टेंस जितना ज्यादा ट्रैवल करते हैं हमारी कैलोरीज उतनी ज्यादा बर्न होती है। तो अगर मैं डिस्टेंस को यहां पर रखता हूं, ठीक है, ऑब्वियसली यहीं पर ही रखेंगे, फिर सर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो बीच में इक्वल टू का साइन आता है, और सर यहां पर आएगा के, यहां पर अंडर रूट एस, और यहां पर आ जाएगा डी। अब सर पहले सिनेरियो पे अगर चले तो अगर ये रन करता है कितना, 10 किलोमीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर 25 की स्पीड से, और नंबर ऑफ कैलोरीज 2400, एक बार देख लेते हैं। तो कैलोरीज कितनी है, 2400 है, के की वैल्यू हमें नहीं पता, अंडर रूट कितना 25, और डिस्टेंस कितना है 10 है। अंडर रूट 25 का मतलब होता है 5, और 5 यानी कि 50, 50 से जब मैं इसको काटूंगा तो के की वैल्यू 48 आ जाएगी। आई होप ये बात क्लियर है सभी को, यस और नो? ठीक है, अब उसके बाद ये सेम फॉर्मूला अगर मैं यहां पर यूज करता हूं कि यार अब कैलोरी कितनी है, 1800 है, और इक्वल टू के की वैल्यू 48 है, और अंडर रूट में अगर मैं 36 रखता हूं और मुझे डिस्टेंस बताना है, तो अभी ये कितना है मेरा, 1800 है, और ये 48 है, और ये मेरा 6 है, और इनटू में डी है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 6 के टेबल में ये चला जाएगा मेरा 300 पे, उसके बाद 6 के टेबल में ये जाएगा 8 पे, 6 के टेबल में चला जाएगा 50 पे, ये आपका चला गया 2 पे, ये आपका चला गया 4 पे, सॉरी, और ये आपका चला गया 25 पे। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.25 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को, यस और नो? आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने यही वाला पैटर्न फॉलो किया होगा,
आई थिंक एक बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन, क्या नाम था, सुभाशीष ऐसे कुछ नाम था शायद। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, तो प्रोपोर्शन पे इस बात का ध्यान रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ निरुद्ध, एक बार बताता हूँ, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत टाइम चला गया, बीच में नेट भी चला गया था मेरा। ठीक है, फिलहाल एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग। हाँ हाँ मेथड करेक्ट है सिंपल। ऑप्शन है आपके 15:34, 5:13, 3:7 एंड 4:9। समझते बात को, यहां पर कहना चाह रहा है द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ अमन एंड अजय इज 2:5 और अमन गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 लाख, अजय को इंक्रीमेंट मिलता है 4 लाख का, तो इनमें से क्या है जो इनका रेशियो नहीं हो सकता। तो आपने कहा मान लो कि सर अमन की सैलरी फॉर एग्जाम्पल 2x है और अजय की सैलरी कितनी है 5x है, सर इसको इंक्रीमेंट मिला 2 लाख का तो 2x+2 हो गया, इसको 4 लाख का तो 5x+4 हो गया। अब ये इनका रेशियो है, क्या ये बात क्लियर है यहां तक? तो ये तो सिंपल है ना कि सर अमन 2x है, फिर 2 लाख रुपए बढ़ गए तो 2x+2, अजय के सर 4 कितना था 5 था तो 5x और 4 लाख बढ़ गए 5x+4। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से क्या इस चीज का रेशियो नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। राइट, कैसे बताएंगे उसके ऊपर समझते हैं। आप पहले तो बताओ, जैसे यहां पर 2x और 5x है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? अगर x की वैल्यू जो है यहां पर ये जो मैंने x लिख रखा है, तो आप कहोगे सर जो आपका x है वो 0 से लेकर के कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। आप इसमें x की जगह 0 भी ले सकते हो और आप x की जगह इनफाइनाइट भी ले सकते हो, मानते ना सभी बच्चे इस बात को? तो मान लो सबसे पहले मैं x की जगह 0 ले लेता हूं, तो अगर मैंने x की जगह 0 लिया तो ये आंसर क्या निकल के आएगा मेरा, दैट इज 2 × 0+2 अपॉन में 5 × 0+4, यानी मेरा आंसर 2/4 आएगा, बोले तो 1/2 आएगा। डन है बात? तो एक तो 1 मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, 1/2 हो सकता है। x नहीं, x नेगेटिव नहीं हो सकता, x 0 हो सकता है या फिर 0 से ऊपर हो सकता है, कुछ वैल्यू 0 हो। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? यानी x की एकदम मिनिमम वैल्यू जो वर्स्ट केस सीन है। और दूसरा देखना, मैं एक रेंज की बात कर रहा हूं, अप टू तक मैं बात कर रहा हूं, तो आप इसको 0 भी मत समझो, आप इसको ऐसा समझ लो कुछ नहीं तो 0। अब मान लो यार कोई चीज 2:5 है तो आप मल्टीप्लाई 0.0001 से भी तो कर सकते हो ना उसको। अगर कोई नंबर x है और x मतलब यहां पर 2x लिखा है, अब कोई चीज अगर 2:5 में है तो आप उसको 0.001 से मल्टीप्लाई करके 0.002 और 0.005 भी तो उसका आंसर आ सकता है।
क्या पता इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 0.001 है, हो सकता है ना। डन है, क्लियर सभी को? तो एक मैं बात, एक काइंड ऑफ लिमिट पढ़ा था ना, लिमिट की बात कर रहा हूं कि अप टू 0 से अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है और मिनिमम अप टू 100 तक जा सकता है। तो मैंने 100 एकदम उठा लिया, बिल्कुल मिनिमम केस उठा लिया, तो दैट इज 1/2। और अगर मैं इनफाइनाइट यूज करता हूं, और अगर मान लो मैं इनफाइनाइट यूज करता हूं, सर ये इनफाइनाइट ये क्या मतलब बना? देखो एक बात बताना, ऐसे बताना जैसे नॉर्मली क्या होता है, 1/0 इज बेसिकली व्हाट, अगर कभी 1/0 होता है तो हम लोग उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं ना, इनफाइनाइट बोलते हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर मान लो कभी मैंने आपके सामने लिखा है लाइक 7/x लिख रखा है, सपोज मैंने आपके सामने 7/x लिखा है और मैंने कहा x की जगह इनफाइनाइट पुट करना है, इनफाइनाइट, आपको पता है सर इनफाइनाइट को ना ऐसे समझा करो, इनफाइनाइट मतलब 1/0 समझ लिया करो। जैसे आई नो कि अभी यहाँ पर एक नंबर है, जैसे यहाँ पे 2x है, अब आप x की जगह इनफाइनाइट नहीं पुट करोगे, सेंस नहीं बनता उस चीज का, अनडिफाइन हो जाएगी चीज। लेकिन अगर मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है दैट इज 7/x लिखा है, जैसे 2+7/x, और आप x की जगह इनफाइनाइट पुट करो, इनफाइनाइट का मतलब ऐसे रीड किया करो 1/0, तो ये क्या बनेगा 2+7/1/0, तो 0 ऊपर जाएगा तो ये कितना बनेगा 2+0/1, मतलब बेसिकली 0 हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। समझ रहे सभी मैं क्या कह रहा हूँ? कभी भी जब आपको इनफाइनाइट पुट करना होता है ना, जैसे मान लो कहीं पर आपको x की जगह इनफाइनाइट पुट करना है, तो इनफाइनाइट पुट करने के लिए जरूरी क्या है कि जो x है वो डिनोमिनेटर में हो, क्योंकि x डिनोमिनेटर में होगा तभी आप पुट कर सकते हो। डन है? तो यहां पर मैंने क्या समझा कि भाई ये जो x है ना, पहली बात इसमें तो मैं पुट नहीं कर सकता इनफाइनाइट, यहां x की जगह मैं इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकता, उसके लिए x मेरा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको x से डिवाइड कर दूंगा, जैसे यहां यहां सबको मैंने उठा के x से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको मैं x से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा 2+2/x बनेगा और ये 5+4/x बनेगा। अब जब आप x की जगह इनफाइनाइट डालोगे तो ये क्या बनेगा 2+0 और यहां पर 5+0, यानी आंसर आएगा 2/5। आई होप ये बात सभी को क्लियर है, राइट? एक बार चैट के थ्रू बताना ये सबको क्लियर है पूरी तरह, ठीक है? अब यहां पर अगर मैं चेक करूं 1/1, अब मैं आंसर पे जाता हूं। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? सर ये आपका अप्रोक्सीमेट 0.5 है, मतलब अप्रोक्सीमेट क्या, ऑब्वियस है, इक्वल है। तो सर 1/2 मतलब 0.5, 2/5 का मतलब हो गया 0.4 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया सर आपका 0.5 और ये हो गया 0.4, मतलब आपका जो आंसर है वो 0.4 और 0.5 के बीच का नंबर होना चाहिए, जो भी आपका आंसर है वो इनके बीच का नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 3:7 लिखा है, अगर आप 3/7 करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा सर 0.4, क्योंकि 7 × 4 = 28, 0.43 अप्रोक्सीमेट, 0.4 और 0.5 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं 4/9 की बात करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 0.9 × 4 = 36, फिर 4 कैरी बचेगा 0.44, जो कि 0.4 और 0.5 के बीच में, 0.44 0.4 और 0.5 के बीच का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं ये कितना बनेगा सर 15/34 बनेगा, तो ये भी कितना आएगा 0.150 को जब आप 34 से डिवाइड करोगे तो 4 point something आएगा, 4.0.4 something ही आएगा आपका। लेकिन अगर आप 5/13 पर आओ, अगर आप 5 को 13 से डिवाइड करोगे आपका आंसर कितना आएगा सर 0.0 कितना आएगा, क्योंकि 5 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा मेरा 13 पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा, फिर 11 बचेगा और ये 13 अप्रोक्सीमेट 0.38 है ना, जो कि 0.4 और इसके बीच का नंबर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट इज 5:13। आई होप ये बात क्लियर है। अध्ययन अब हो गया ना, अब आ जाएगी इसमें क्या करना है अध्ययन, अब पता क्या होगा अध्ययन, अब आपको जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा ना, इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा अवेयर रहना है। अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन है अध्ययन और आपको ये जानना है कि यार आपके सामने लिखा है सपोज 5x+7 लिखा है अपॉन में कुछ भी लाइक 2x+9 ऐसा कुछ लिखा है, और आपको ये बताना है कि इसका क्या रेशियो, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बतानी है कि भाई इसके क्या पॉसिबल आंसर बन सकते हैं, इसके पॉसिबल आंसर आपको बताने। तो पॉसिबल आंसर कैसे बताओगे कि सर ये जो x है x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0 to infinite, मतलब x मिनिमम 0 तक जा सकता है और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो एक बार आप 0 डाल दोगे तो 0 डालने पे क्या आएगा 7/9, और इनफाइनाइट डालने पे क्या होगा, क्योंकि जब आप इनफाइनाइट डालोगे ऊपर नीचे x x से डिवाइड कर देना तो 5+7/x और ये हो जाएगा 2+9/x। जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे अब ये 0 हो जाएगा, आंसर 5/2। 7/9 का मतलब क्या होता है, दैट इज 0.70 हो गया,
0.9763, ठीक है, फिर 0.77, और ये हो गया आपका कितना सर, ये तो मेरा खैर 2.5 हो गया, डन है। तो आपका जो भी आंसर होना चाहिए वो 0.77 से 2.5 के बीच का नंबर होना चाहिए। अभी क्लियर है बात? नहीं 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 ऐसे नहीं साकिब, ऐसे 1, 2, 3 तो बहुत सारी पॉसिबल, आप बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस पे जाओ ना साकिब, बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस पे जाओ कि एक्स की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम जीरो हो सकती है और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है, तो बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस पकड़ो। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यू आ गई कि भाई मिनिमम टू मिनिमम 0.77 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5, और फिर वो जो भी रेशियो देगा उसको चेक कर लेना। तो ये पता है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक बार आपने आज कर लिया ना मेरे साथ, बस ठीक है, अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार करा होना चाहिए साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई करना एक बार। ऑप्शन है आपके, दैट इज 122.22%, 132%, 150% या फिर 167.67%। बढ़िया मन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्या है, द रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ पर्टिकुलर मंथ इज 3:7, द नेक्स्ट मंथ द टोटल इनकम इंक्रीजेस बाय 50% व्हाइल द रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इज 4। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेविंग ऑफ द फैमिली कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। चलो एक बार चेक करें, देखते हैं यहां पे, समझते हैं बात को। द रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ पर्टिकुलर मंथ इज 3:7। ओके, यानी अगर मैं बात करूं सेविंग और एक्सपेंडिचर की, तो सेविंग है 3, एक्सपेंडिचर है 7, तो इनकम कितनी है इसकी 10 है। कहते हैं नेक्स्ट मंथ द इनकम इंक्रीजेस 50% और जो रेशियो ऑफ सेविंग और एक्सपेंडिचर है दैट बिकम 4:5। मतलब नेक्स्ट वाला जो रेशियो है उसमें इनकम, सॉरी सेविंग है 4, एक्सपेंडिचर है 5, तो इनकम कितनी हो गई 9। लेकिन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज हुई थी, 50% इंक्रीज हुई थी। मतलब ये जो दोनों नंबर आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं इनकम वाले, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि पहले वाले के हिसाब से जब सेविंग और एक्सपेंडिचर 3:7 के रेशियो में है तो इनकम 10 है, और या बाद में ये सेविंग और एक्सपेंडिचर 4:5 के रेशो में है तो इनकम 9 है। तो एक जगह इनकम 10 है, एक जगह 9 है। अब हमें पता है जब दो अलग अलग रेशो होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होती है, है ना? तो यहां पर सर 10 नहीं होना चाहिए, यहां पर मतलब बेसिकली इनका जो रेशो है ना दैट शुड बी, क्योंकि 50% इंक्रीज हुआ है। अब 50% इंक्रीज होने का मतलब है कि ये जो रेशो है ये 2:3 में होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज 50% इंक्रीज होती है, 50% इज 1/2, तो वैल्यू 2:3 हो जाती है। तब आप क्या करोगे, अब आपको ये जो रेशियो है 2:3 में बनाना है, या तो आप सीधा इसको 15 बना दो, पर 9:15 इतना डायरेक्ट बनेगा नहीं। मतलब आपकी मर्जी है, बनाने को बना सकते हो कि सर इस 9 को 15 बना देता हूं, या आप ये भी कर सकते हो कि सर पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इनको इक्वल कर देता हूं,
मतलब इन सबको उठा के मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उससे क्या होगा सर, ये इक्वल हो जाएंगे। इनकम जो है यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 इक्वल हो गई, पर हमें जो रेशो चाहिए वो 2:3 में चाहिए, तो सर यहाँ पर एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर एक 3 और मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली इस रेशो को आप 9:2:18 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 10:3:30 से मल्टीप्लाई करो। और आपको चाहिए क्या, आपको बेसिकली बताना है कि परसेंटेज चेंज इन सेविंग, कि सेविंग में कितना चेंज आया। तो या तो आप सीधा सीधा सेविंग पे बात करो कि भाई सेविंग पहले कितनी थी, अभी आप देखो शुरुआत में आपकी सेविंग कितनी है, तो 3 के अंदर आप 9:2 को मल्टीप्लाई करोगे, 9:2:18, 18:3:54, तो पहले आपकी सेविंग 54 की है, अब आपकी सेविंग कितनी है, 10:3:30, 34:120, अब आपकी सेविंग 120 की है, तो आपकी जो सेविंग है वो 54 से 120 हो गई। तो कितना इंक्रीमेंट आया सर, इंक्रीमेंट आ गया कितने का, 66 का इंक्रीमेंट आया, कितने पे, 54 पे इंटू 100। एक बार चैट के थ्रू बताएंगे सभी, क्लियर है सबको, राइट है, राइट, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं देखूं 66 है, अब 66 में अगर 54 तो पूरा 100% हो ही गया, अब 54 से कितना एक्स्ट्रा है, 12 एक्स्ट्रा है। अब आप रफ आइडिया लगाओ, 54 का 10% होता है 5.4, तो 12 कितना होगा, लगभग 20%, तो आंसर 122.22 है। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, समझ गए ना, कि जब आपको 66 को डिवाइड करना था 54 से इनटू 100, अब जो 66 है वो बेसिकली कितना है, 54 प्लस 12 है, 54 मतलब ये तो पूरा 100% हो गया, और 12 54 का कितना होगा, तो भाई 54 का 10% कितना होता है सर, 5.4 होता है, तो 12 लगभग कितना होगा, अगर मैं 12 की बात करूं, 5.4 10%, तो लगभग 20% है ना, तो ऑन एन एवरेज 120% से ऊपर आंसर आएगा, और एक ही ऑप्शन है जो 122% है, आसपास और थोड़ा सा ऊपर, मतलब 120 के आसपास और थोड़ा ऊपर, दैट इज 122। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, यस और नो? आगे बढ़ू, नेक्स्ट पे आ जाए, ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। बस यार ये ध्यान रखा करो, जब भी आपके सामने दो अलग अलग रेशियो होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर होती है, और वहीं आपने देखना होता है। अब यहां पर एक मैं वो 15 वाला भी बता देता हूं, आप ये भी कर सकते थे, हालांकि सेविंग एक्सपेंडिचर इनकम रेशियो क्या था हमारा, 3:7:10, ये सर 3:7:10, और सर यहां पर कितना अपना 4:5:9, यहां पर कितना 4:5:9, लेकिन सर क्योंकि जो इनकम है वो 50% बढ़ गई है, और 50% बढ़ने का मतलब है कितना, 15। अब सर 9 को 15 बनाना है, 9 को 15 बनाना है कितना इंटू करना पड़ेगा, तो सर 15/9 मतलब कि 5/3 इंटू करना पड़ेगा, तो सर सेम 5/3 आप यहां कर दो, क्योंकि एनीवेज अपने को सेविंग से मतलब है, तो 5/3 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा, 20/3, तो पहले आपकी सेविंग थी 9 रुपए की, अब आपकी सेविंग है 20/3 की, तो पहले सेविंग 3 और अब सेविंग है 20/3, मतलब कंपेरिजन करूं तो 9 से 20, अगर आपकी सेविंग 9 से 20 हुई है तो 11 रुपए बढ़ गए 9 पे इंटू 100, यानी कि 122.22%। समझ आई बात क्या किया मैंने, बेसिकली ये है 3:7:10, अगर आप देखो सेविंग एक्सपेंडिचर इनकम 3:7:10, बाद में 4:5:9, लेकिन जो इनकम है वो 15 होनी चाहिए क्योंकि 50% बढ़ी है, तो 9 को बनाना है 15, मल्टीप्लाई 5/3 करना होगा, है ना, तो सेम 5/3 आपने यहां पे कर दिया, 4 में बन गया 20/3। अब आपको सेविंग के ऊपर बात करनी है कि पहले सेविंग कितनी थी, अब सेविंग कितनी है, तो आप बोलोगे सर पहले मेरी सेविंग थी 3 रुपए, ठीक, अब मेरी सेविंग है कितनी, 20/3, और मुझे इसी में बताना है कि ये इससे कितना ज्यादा कितना कम है, तो एक थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो कि ये सर बेसिकली मैं कह सकता हूँ 9 से 20 हो गई सेविंग, तो 11 बढ़ गई 9 पे इंटू 100, जो भी आंसर था, डन है क्लास नकुल, आई गेस देखते हैं, थोड़े और क्वेश्चन रखे थे मैंने, नहीं क्या, अरे दो ही है, टाइप नहीं हुए, नहीं यार कम से कम 15 क्वेश्चन तो रखे थे मैंने, कितने क्वेश्चन हुए आई गेस अभी तक क्लास में, कितने क्वेश्चन हुए, 3, क्वेश्चन तो रखे थे मैंने, चलो कोई नहीं, कल मॉर्निंग में रख दूंगा एक क्लास, है ना, ये टेस्ट के थोड़े और क्वेश्चन मुझे आपको देने, जस्ट टू चेक, कल 12 बजे रख दूं सेशन, कोई दिक्कत, कर लोगे 12 बजे, हाँ शिवम भाई, मतलब 15 तो यार मैंने रखे थे, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाले, मेहनत खराब होगी फिर तो, ताकि मेरी मेहनत ना खराब हो इसलिए मैं कल भी रखूंगा, ठीक है, चलो फिलहाल इसका आंसर आप लोग बताना, ऑप्शन है आपके 10.74 ml और 8.32 ml, 20.48 ml या फिर 12
ml, ठीक है। थोड़ा लेंथी है क्या? चलो टाइम बढ़ा देता हूँ, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। क्या कहता है? एक मॉकटेल है, देयर आर ओनली थ्री इंग्रेडिएंट, एप्पल जूस, पाइन एप्पल जूस और क्या क्रैनबेरी जूस इन द रेशियो 3:3, दिस दिस दिस, इफ 20 ml ऑफ पाइन एप्पल जूस एंड 10 ml ऑफ एप्पल जूस आर एडेड इन द मॉकटेल, देन द न्यू रेशियो ऑफ दीज इंग्रेडिएंट आर दिस दिस दिस। ओ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इन टर्म्स जो अक्सर हम लोग कहते हैं, जब दो अलग अलग रेशो होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन आपने जज करना है। उदिता, तुया, अमन और विजय, सिर्फ चार बच्चों ने आंसर दिया, दैट मीन्स क्वेश्चन अच्छा था। देखो सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एप्पल जूस, पाइन एप्पल जूस और क्रैनबेरी रेशो क्या है? 3:4:2। बाद में आप क्या करते हो, इसमें 20 ml पाइन एप्पल जूस डालते हो, 10 ml एप्पल जूस डालते हो और जो रेशो है वो बन जाता है आपका 7:11:3 बन जाता है। राइट है जी बाप, 7:11:3 बन गया। अब पॉइंट ये है कि सर यहां पे क्योंकि हमने जो ऐड किया है, हमने एप्पल जूस ऐड किया, हमने पाइन एप्पल जूस ऐड किया, पर हमने क्रैनबेरी तो ऐड ही नहीं किया, नहीं किया ना ऐड। तो सर अगर हम ये लेट करते हैं कि भाई एप्पल 3 था, पाइन एप्पल 4 था, क्रैनबेरी 2 था, बाद में एप्पल 7, पाइन एप्पल 11, क्रैनबेरी 3, अगर मैं लेट करता हूं तो पॉइंट क्या आएगा, जो ऑलरेडी चैट में लिखा अश्मित ने कि सर क्रैनबेरी तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, तो अगर वो यहां पर जितना है यहां पर भी उतना ही होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो एप्पल, पाइन एप्पल, क्रैनबेरी 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9, 12 और 6, 2 से मल्टीप्लाई करूं 14, 22 और 6। आई होप ये बात क्लियर है सभी को, राइट? शुभम, शिवम, जो भी है, सबको क्लियर है बात? बढ़िया। अब उसके बाद यहां पर आप एक चीज और देखो, अगर आप देखो तो इसने पाइन एप्पल 20 ऐड किया था, एप्पल 10 किया था, मतलब पाइन एप्पल एप्पल से डबल है। और अगर आप देखो रेशो वाइज आप एप्पल कितना ऐड कर रहे हो, 5 यूनिट, और पाइन एप्पल कितना ऐड कर रहे हो, 10 यूनिट। तो अगर आप देखो रेशो वाइज पाइन एप्पल एप्पल से डबल है, तो मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। यहां पर भी देखो 10 से 20 और यहां पर भी 5, मतलब डबल है ना, तो आपने रेशो वाइज बिल्कुल सही जा रहे हो अभी तक, ठीक है ना। ये भी बात मैच हो गई, मतलब ये भी वैसे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली सेम ही होना था, बट स्टिल अगर क्रॉस चेक करना है तो आप देखो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, क्योंकि हमें आंसर एग्जैक्ट करना है, मतलब प्रॉपर परसेंटेज या रेशो में नहीं करना है, प्रॉपर एमएल में बताना है, तो थोड़ा सा ये जो डेटा है ना इसको एमएल में कर लेते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से एप्पल जूस कितना ऐड हुआ है, 5 मेरे हिसाब से 5 ऐड हुआ है,
है ना, अगर मैं एप्पल जूस की बात करूं, एप्पल जूस मैंने कितना ऐड किया, 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 ml, 5 की वैल्यू 10 ml मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, या फिर आप पाइन एप्पल पे चलो, पाइन एप्पल आप 10 ऐड कर रहे हो, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 2 करना होगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अगर आपको एग्जैक्ट डेटा पे जाना है तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट डेटा आपको जरूरत, मतलब राइट नाउ निकालना क्या है, आपको बस ये बताना है कि भाई अभी जो ये फाइनल कॉन्टेंट बना, अभी जो फाइनली क्वांटिटी बनी है, फाइनल क्वांटिटी ये है रेशो वाइज, जो कि कितनी है, 14 और 6 20 और 22 42। मतलब अगर मैं फाइनल टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से 22 है, और 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 22 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी होगी, दैट इज मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, यानी 44 ml। कितना, 44 ml, ये बात आई समझ में सभी को, 44 ml। मतलब अगर आपको क्वेश्चन के एग्जैक्ट डेटा पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबके अंदर 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक आप यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब में 2 मल्टीप्लाई करो। तो इसका मतलब फाइनली एप्पल जूस कितना है, 28 है, पाइन एप्पल 44 है, और ये कितना आपका 12 है, राइट। तो फाइनल टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई सर, फाइनल टोटल क्वांटिटी हमारी बन गई, दैट इज ये हो गया 40 84। आई होप ये बात क्लियर है सभी को, राइट, 84 बन गई। अब आप आगे समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक और पॉइंट जो बड़ा मजेदार है यहाँ पे वो भी देखना, एक पॉइंट यहाँ पर उठ के ये आता है क्या, कि ये कह रहा है कि अच्छा ये बताओ कि क्रैनबेरी आप कितना ऐड करोगे, आप इसमें क्रैनबेरी कितना डालोगे ताकि जो उसकी परसेंटेज है ना वो 24% हो जाए, इस कंटेंट के अंदर कितनी हो जाए, 24%। अब आप इसको ऐसे समझो कि अभी फाइनली डेटा क्या निकल के आया है कि सर अब जो मेरा फाइनल जूस है उसमें एप्पल कितना है, सर फाइनल जूस में एप्पल है 28, ठीक है, पाइन एप्पल कितना है 44 है, क्रैनबेरी कितना है आपका, दैट इज 12 है, ठीक है, कितना है 12 है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई आपकी, टोटल क्वांटिटी ऐड करोगे 84 बन गई। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अच्छा ये बताओ आप कितना क्रैनबेरी इसमें ऐड करोगे, नहीं कितना नहीं, शायद बताया है नहीं, ये पूछा कितना क्रैनबेरी ऐड करोगे ताकि जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो 24% का हो जाए। अब एक बात बताओ, आप ऐड कर रहे हो क्रैनबेरी, ऐड आप क्या कर रहे हो क्रैनबेरी, मतलब ये जो एप्पल जूस और जो हमारा पाइन एप्पल जूस है, ये जो दोनों है, ये दोनों मिलकर कितने राइट नाउ, दैट इज सर 72 से 72 है, कितने हैं, 72 है। तो सर ये जो 72 यूनिट पाइन एप्पल और एप्पल है ये तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि आप ऐड तो क्रैनबेरी कर रहे हो, अब क्योंकि आप क्रैनबेरी ऐड कर रहे हो तो जो एप्पल और पाइन एप्पल है वो तो उतने ही है, मतलब 72 के 72 ml ही है। और सर जब आप क्रैनबेरी ऐड करते हो तो उसका जो परसेंटेज है वो कितना है, दैट इज 24%। क्रैनबेरी ऐड करने के बाद उसका कंट्रीब्यूशन 24% का है, तो इसका मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो कि 72 ml है, 72 ml मतलब कितना परसेंट हो गया, दैट इज सर 76% हो गया। मानते सभी बच्चे भाई, क्रैनबेरी ऐड करने के बाद उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो बाकी दोनों है ये 76% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राइट। तो पॉइंट है कि भाई आपने क्रैनबेरी ऐड कितना करा, ठीक है। तो आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो पूरे 100% की वैल्यू निकाल लो कि यार 76% मतलब 72 ml, तो 100% का मतलब कितना होगा, तो सर 100% हो जाएगा कितना, क्योंकि 1% की वैल्यू होगी 72/76, 100% निकालना है तो इनटू 100 कर दो, राइट है। आई गेस यहां से कुछ अप्रोक्सीमेट ही आएगा, एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 4 के टर्म में ये गया 25 पे, 4 के टर्म में ये चला गया 19 पे, ठीक है। बाकी 24 भी बेटर होता क्या वैसे, या फिर यही कर लेते हैं, कितना 94.73 यश, ठीक है 94.73 डन। अब यहां पे इसने बोला बताओ क्रैनबेरी कितना ऐड करा, तो अभी क्वांटिटी कितनी थी, अभी क्वांटिटी थी 84, ऐड किया आपने क्रैनबेरी, जिसकी वजह से हो गया 94.73। तो इसका मतलब क्रैनबेरी आपने ऐड कितना किया, तो इसका मतलब मैंने क्रैनबेरी कितना ऐड किया है, अगर 84 से 94.73 हो गया, दैट मीन्स 10.73। अभी बात क्लियर है सभी को, आदित्य, अश्मित, पृथ्वी, क्रैनबेरी भी निकाल सकते हो उसमें, ठीक है, डन है, चल बिल्कुल सिंपल, मैं उस पे आता हूं। पहले तो देखो ये बात क्लियर हुई है सभी, आई थिंक स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्लियर है सबको, ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट अपन ने किया, ये जो रेशो वेशो सेट किए थे, ये तो क्लियर था ना सभी को। देखो एग्जैक्ट डेटा पे तो हमें जाना ही था, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा पे तो अपने को जाना ही है, उसके लिए तो खैर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो कर ही सकते हो अध्ययन, वो तो ऑब्वियसली
वो कर सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन बना सकते हो, डन है। तो एक बार मैं लास्ट में समअप कर देता हूँ कि कुल मिला के मैंने बोला क्या। कुल मिला के देखो सर, पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो आपका एप्पल जूस, पाइन एप्पल जूस और क्रैनबेरी है, उसका रेशियो था 3:4:2। फिर आपने क्या करा, एप्पल में कुछ ना कुछ ऐड करा, पाइन एप्पल में ऐड करा, और जो रेशियो है वो बन गया 7:11:3 बन गया। अब पॉइंट कुल मिला के ये है कि सर, क्योंकि आपने एप्पल और पाइन एप्पल में कुछ चेंजेस किए हैं, तो क्रैनबेरी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो उसके लिए आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। तो एप्पल, पाइन एप्पल और क्रैनबेरी कितना बना, 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 9, 12 और 3 2 जा 6, ये 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 14, 22 और 3 2 जा 6। आई होप ये बात क्लियर है सबको, राइट, है ना, यहां तक कोई इशू नहीं है। आगे अगर हम डिस्कशन करें तो फिर उसके बाद पॉइंट क्या है कि चलो अब एग्जैक्ट डेटा पे चलते हैं, क्योंकि बात तो एग्जैक्ट डेटा पे जा ही रही है कि जैसे 24% वाली बात उठाई। तो मैंने कहा यार, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 यूनिट ऐड किया एप्पल जूस, मैंने 5 यूनिट ऐड किया, बट क्वेश्चन के हिसाब से एप्पल जूस मैंने 10 ml ऐड किया। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे एग्जैक्ट डेटा पे जाना है तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो मैंने इन सबके अंदर मल्टीप्लाई 2 कर दिया, सबके अंदर मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो मेरी जो फाइनल क्वांटिटी है, अगर मैं फाइनल क्वांटिटी की बात करूं तो उसमें एप्पल जूस है 28, पाइन एप्पल है 44 और ये कितना है 12। तो कितनी क्वांटिटी बन गई, अगर मैं यहाँ पे सबको ऐड कर दूं तो मेरे हिसाब से टोटल क्वांटिटी बन रही है कितनी, दैट इज 84 बन रही है। फिर उसके बाद मैंने पॉइंट उठाया, मैंने कहा क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, क्रैनबेरी जूस में ऐड कर रहा हूँ, और क्रैनबेरी जूस ऐड करके मैं चाहता हूँ कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 24% का हो जाए। अगर क्रैनबेरी मान लो फाइनल जो बिल्कुल फाइन, फिर आपने क्रैनबेरी भी इसमें ऐड करा, है ना, अगले स्टेप पे भी गए, आपने क्रैनबेरी ऐड करा, अब जो बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें क्रैनबेरी कितना है सर, 24%। तो भाई आपका एप्पल और पाइन एप्पल कितना होगा सर, 76% होगा। अब 76% की वैल्यू कितनी है, दैट इज सर 28 और 44 ऐड करो 72। तो सर यहाँ पर 76% मतलब 72, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, अगर मैं 100% निकालू तो वही है 72 को 76 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई 100 कर देना, तो कितना आता है कि 94.76 समथिंग था ना, 94.73, डन है। अब आप खुद देखो, अगर क्वांटिटी 84 से 94.73 हो रही है, दैट मींस आपने 10.73 ऐड करा। बाकी जो अध्ययन का कहना, अगर मैं उस पर बात करूं तो, या कोई और बच्चे भी सेम आई नो इक्वेशन पे जा रहे होंगे कि सर अगर मान लो आप क्रैनबेरी कितना ऐड करते हो, एक्स ऐड करते हो, आपने क्रैनबेरी एक्स यूनिट ऐड करा, तो अभी क्रैनबेरी 12 है, अब आप 12 में एक्स ऐड करोगे, क्रैनबेरी हो गया 12+x, ठीक। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी सर, 84+x और इनटू 100 कर दो ताकि परसेंटेज आ जाए, तो इक्वल टू 24। बाकी सर आप इसको कैलकुलेट करके एक्स निकाल लो, ये थॉट भी है। तो ये आपका जाएगा 4 के डन में 6 पे जाएगा, 4 के डन में 25 पे जाएगा, ये हो जाएगा 25 को 12 से करोगे 300 और ये हो जाएगा 25x हो जाएगा। 84 सिक्सा कर लेना, 6 4 24 का 4 2 कैरी जाएगा, 48 और 2 50, 504 हो गया और ये आपका हो गया 6x हो गया। इसको माइनस कर लेना 19x आ जाएगा, इसको मान ले जाना 204 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो भी 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। डन है, बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अध्ययन यही सब कह रहे थे ना, चलो। तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा अच्छा था, बाकी आगे देखते हैं। एक बार ये वाला ट्राई करना आप लोग, ऑप्शन से आपके 36, 24, 12 या फिर 6। भूमि
मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा भूमि, एक बार टेलीग्राम पे मैसेज करना मेरे को, टेलीग्राम पे होना कॉन्टेक्ट में, एक बार कुछ मैसेज करना, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ सारी क्लासेस वगैरह के। ठीक है, जो आप कह रहे हो ना कि आपके सेशन से पढ़ना बट कैसे फॉलो करना है, वो मैं समझाता हूँ, आप भी कर दो आयुष, बाकियों को तो पता ही है, बाकियों को तो मुझे लगता है कंफ्यूजन है मेरे कोर्स में। देखो तो यहाँ पे कहता है कि अरविंद और वेंडी के पास कुछ टॉफी है, ठीक है, तो मान लो अरविंद के पास ए टॉफी थी और वेंडी के पास बी टॉफी थी, तो इनके पास जो शुरुआत में अरविंद और वेंडी पे जो टॉफी थी, ध्यान देना मैं पहले अरविंद बोल रहा हूँ बाद में वेंडी, तो अरविंद और वेंडी के पास जो टॉफी थी उसका रेशो क्या था, दैट इज सर ए रेशो वी, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ सर, अरविंद ने 24 टॉफी दे दी वेंडी को, तो अरविंद के पास कितनी टॉफी बचेंगी भाई, आप कहोगे सर a माइनस 24 और वेंडी के पास हो जाएगी v प्लस 24, राइट है, और ये जो रेशो है ना, ये जो रेशो आया a माइनस 24 और v माइनस 24, वो शुरुआत वाले रेशो का रेसिप्रोकल है, शुरुआत में रेशो था av और ये जो रेशो है ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो मैं कह सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू va, यस और नो, मतलब इन शॉर्ट a माइनस 24 अपॉन में v प्लस 24 दैट इज इक्वल टू v अपॉन a, एक बार बताना चैट के थ्रू क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को, डने, बढ़िया। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि अगर इनके पास n नंबर ऑफ टॉफी है तो ये बताओ कि अरविंद वेंडी को कितनी टॉफी दे ताकि नंबर ऑफ टॉफी इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ टॉफी इक्वल हो जाए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सपोज मैंने इसको किया सॉल्व, तो a माइनस 24 और ये अरविंद के पास टॉफी है और ये है वृंदा के पास, एंड जो टॉफी है वो हो गई रेसिप्रोकल, ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं कुछ गलत है, यहां पर अगर मैं देखूं a स्क्वायर माइनस पर 24a एंड दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस में 24v, राइट, ओके, देन यहां से v माइनस है 24 ना, ये a स्क्वायर और ये v, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं 24v माइनस 24a लिखता हूँ, नहीं ये दोनों माइनस होंगे ना, 24 ये इधर माइनस ही आएगा, तो माइनस का 24a और माइनस का 24v, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ, ये a माइनस वी और a प्लस वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, अगर मैं माइनस 24 कॉमन निकाल लूं तो दैट इज माइनस 24 अगर मैं कॉमन निकालू तो दैट इज a प्लस वी, राइट है जी बात, नहीं कुछ गड़बड़ लिखी है मैंने, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, यहां से माइनस 24 कॉमन निकालूंगा a प्लस बी दैट इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं a प्लस बी कॉमन निकालता हूं तो यहां बचेगा a माइनस बी और माइनस का 24 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब एक है कि भाई a प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि या तो ये जीरो होगा बट ये पॉसिबल नहीं है, दोनों के पास नंबर ऑफ टॉफी या तो जीरो होनी चाहिए या फिर एक होगा रिजल्ट क्या कि a माइनस बी माइनस 24 इक्वल टू जीरो, यहां से आपका एक काम का रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज a माइनस बी इक्वल टू 24, तो यहां से ये समझ में आता है कि सर जो अरविंद के पास टॉफी है ना वो वृंदा से 24 ज्यादा है,
अरविंद के पास वृंदा से 24 टॉफी ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ अरविंद वृंदा को, सॉरी वेंडी को कितनी टॉफी दे ताकि इक्वल टॉफी हो जाए। तो अगर अरविंद के पास वृंदा से 24 टॉफी ज्यादा है, क्योंकि ए माइनस बी 24, तो अगर इसके पास 24 टॉफी ज्यादा है तो भाई अगर इसे 12 टॉफी दे देगा तो इक्वल हो जाएंगे। समझ के बाद सभी बच्चे राइट बीच में साइन, हाँ वो मैंने नहीं लिखा था बट अभी क्लियर है सभी को राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार जिनमें कोई ऐसा नहीं होता, जैसे अक्सर मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है, जो मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, अगर आप देखो इस पे अगर आप फोकस करो तो इक्वेशन एक है पर वेरिएबल कितने हैं, दो हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन कम और वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो पक्की बात है कि वो आपसे इंडिविजुअल डेटा नहीं निकलवाएगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि बताओ अरविंद पे कितनी टॉफी है, वेंडी पे कितनी टॉफी, नहीं, वो कोई रिलेशन निकलवाएगा। अगर आप देखो अपन को ये नहीं पता लगा, हमें यहाँ पर ये नहीं पता लगा अरविंद पे कितनी टॉफी है, वृंदा पे कितनी टॉफी है, ये हमें नहीं पता लगा। लेकिन हमें पता क्या लगा, हमें पता ये लगा कि भाई ए के पास बी से 24 टॉफी ज्यादा है और क्वेश्चन पूछा था कितनी देगा ताकि इक्वल हो जाए, दैट इज 12। समझ गए ना रायका, मधु, विजय, मानसी, सभी। जो मैं क्वेश्चन को छोड़ो, जो मैं पॉइंट हर बार कहता हूँ कि अगर इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है, जो मैं बार बार कहता हूँ इक्वेशन कम वेरिएबल ज्यादा, तो आपसे इंडिविजुअल चीजें कैलकुलेट नहीं करवाएगा, वो आपसे कोई रिलेशन निकलवाएगा, बस उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अक्सर बच्चे ना ऐसे क्वेश्चंस में परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे कैलकुलेट होगा, ए और बी कैसे निकालेंगे, ए और बी निकालना ही नहीं है यार, ठीक है। हाँ ध्यान सर मैं पूछ रहा था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है और दो के उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं दी है तो ये अज्यूम करके बहुत इजीली होता है। मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स को 100 का अज्यूम कर लें तो 50-50 मार्क्स की, थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलना एक बार, क्योंकि कोई डेफिनेट वैल्यू तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अज्यूम कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टॉफीज। तो अगर हम अज्यूम कर ले 100 टोटल एंड नहीं 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 अध्ययन ऐसा नहीं करेंगे, पता क्यों? क्योंकि अगर आप अज्यूम करते हो तो जो मैंने अक्सर एक बात बोली है ना कि कभी भी क्वेश्चन में अगर चीजें प्लस माइनस के सेंस में जा रही है, प्लस माइनस, जैसे अभी क्या है ना इसने जो बात बोली है उसमें क्या जाएगा, वो प्लस माइनस पे जाएगा, क्योंकि अरविंद ने 24 ट्रॉफी वृंदा को दी है, तो अरविंद हो गया ए माइनस 24, वृंदा होगी ए प्लस 24। तो जब भी बात प्लस माइनस के सेंस पे चली जाती है तो वहां पर नंबर लेट करके सॉल्व नहीं होता, ठीक है? नहीं मतलब क्योंकि ये वाला तो हो रहा था तो मेरा डाउट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कर सकते हैं या फिर सिर्फ यही वाला सॉल्व। अच्छा ये हो गया क्या आपसे ऐसे नंबर लेट करके? हां जी मतलब मैंने 100 अज्यूम किया तो दोनों को पहले 50-50 पे इक्वल ही दे दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे 24 का डिफरेंस क्रिएट करना था तो मैंने शुरू में इसको अज्यूम किया कि अरविंद के पास 74 थी। सॉरी 24 का डिफरेंस क्यों क्रिएट करना था ये कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें तो 24 थी तो फ्लिप हुआ है, तो अगर टोटल तो 100 ही, तो अगर एक के पास 74 है तो ऑब्वियसली मतलब वो फ्लिप होगा रेशियो, तो 24 का डिफरेंस क्रिएट करना मुझे इसके बीच में। नहीं अगर 100 में से इसके पास 74 है तो इसके पास 26 हुई ना। अच्छा फिर मैंने गलत थॉट कर दिया, ठीक है सॉरी सर। नहीं ना कोई बात नहीं, मैंने डिस्कस कर लिया वो जरूरी है। और यार ये बात आप सभी ध्यान रखना जो मैं, क्योंकि मैं श्योर हूँ यार कि इसमें ना आपको, अगर देखो क्या होता है ना, हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि एक होता ना कि भाई दोनों के पास वैल्यू किस रेशो में है, मतलब यू नो कि इसके पास कि, जैसे अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ऐसे समझो कि आपने ना दो नंबर लेट करने हैं, यहाँ पे दो चीजों पे बात चल रही है, एक है अरविंद के पास कितनी टॉफी है, वेंडी के पास कितनी टॉफी है। पहली बात आप सभी बच्चे मानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में कभी भी दो नंबर लेट नहीं किए जाते, मानते हो सभी इस बात को? कॉमन सेंस की बात है, आपने चाहे स्कूल टाइम पे कभी भी, हम लोग नंबर लेट करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हैं, कभी स्कूल टाइम पे भी कभी कभार नंबर लेट करे हैं, तो हम लोग कभी भी किसी क्वेश्चन में दो नंबर नहीं लेट कर सकते। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि माँ कि भाई फादर की 100 है और बेटे की 80 है, ऐसे दो नंबर लेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ दो नंबर लेट कर सकते हो अगर मैंने उन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन बताया, जैसे मान लो एक फादर की एज है और एक सन की एज है, और मैंने ऐसा कुछ कंपैरिजन बता रखा है कि जो फादर है वो सन से 20% बड़ा है, 20% उसकी एज ज्यादा है, तो इन दैट केस आप लेट कर सकते हो कि सर बेटा अगर 5x, मतलब मान लो आप कहते हो 5x अगर आप लेते हो और सर ये 6x है, तो जब आप रेशो लिखते हो xx कट जाता है, मतलब कि सर बेटा 100 साल का है तो बाप 120 साल का है, यहां पर आप लेट कर सकते हो अगर तो मैंने दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिया तो आप लेट कर सकते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहली बात कोई रिलेशन दिया होना चाहिए दो नंबर के बीच में, तब आप दोनों को लेट कर सकते हो, लेकिन रिलेशन दिया होना चाहिए। दूसरी बात
जब उसने रिलेशन दिया है, अगर वो रिलेशन उसने प्लस माइनस के सेंस में दिया है, तो फिर आप नंबर नहीं लेट कर सकते, क्योंकि अभी देखो एक्स तो अभी भी मैंने यहां पर माना कि बेटा 5x का है तो बाप 6x का है, मैंने रेशियो लिखूं तो xx कट गया ना। लेकिन भाई मैं बोलूं कि बाप बेटे से 20 साल बड़ा है, तो सर बेटा x का है, बाप x प्लस 20 का है, आप रेशियो में लिखो x नहीं कटेगा। ये बात समझ गए ना सभी, आ रही बात पकड़ में? तो ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, श्योर जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे उन्हें लगेगा अरे सर ये आप बहुत बार बोल चुके हो, ठीक है। और इसीलिए भाई मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत बच्चों के डाउट होते हैं बार बार कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर एक्स मानना है या नहीं मानना। और ये मैंने कई केसेस में देखा है, कई बार हम टीचर्स भी मिलते हैं आपस में, जाते कहीं पर कोई टीचर हो गया किसी बच्चे को कोई सॉल्यूशन करा रहा है, वो फिर वही क्वेश्चन कहता है, जैसे कोई टीचर उसने वहां पे लिखता है देखो इसको ना तुम एक्स ले लेना, बच्चा कहता है सर समझ गए एक्स लेके हो जाएगा सॉल्व, पर हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर एक्स लेना है यहाँ पर सॉल्व लेना है। उसी को समझाने के लिए बात में बार बार बोलता हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते थे क्या कि टोटल टॉफीज तो दोनों के पास सेम ही होंगी, अगर ए टू वी है तो दूसरे में वी टू ए हो जाएगा दूसरे में, तो सर उधर से डायरेक्ट ए माइनस वी इक्वल्स टू 24 आ जाता। फिर से बोलो सर क्या क्या पहले तो सर इक्वल है, कहां पर इक्वल है सर? ए सर टोटल टॉफीज तो सेम ही है ना, क्योंकि उसने 24 दिए और उसके पास 24 हो गई, तो टोटल टॉफीज तो सेम ही है। हां टोटल सेम है, तो सर उसका ए टू वी हो गया और सेकंड केस में वी टू ए हो गया, इनवर्सली वो दिया है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, गैप सेम है, गैप सेम सेंस में सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो। थैंक यू सर। चलो एक इस क्वेश्चन पे भी आ जाओ सर, लगी रात आप लोग, बाकी अच्छा यार ऐसे ना डिस्कस करते रहा करो चीजें, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कई बार सर मेरा ये थॉट है उससे ना बाकी मतलब कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, बाकी बच्चे भी होने भी लगे अरे ये भी तो सही सोच रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं ऐसे नहीं करा, अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता देखो ये मेथड वन ये मेथड टू ये मेथड थ्री, वो तो आप अपने दिमाग में कुछ चल रहा है आप बताओगे सर मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ लगा कि अच्छा ये इस ट्रैक पे भी जा सकता है तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे, तो इसलिए पूछ लेना क्योंकि टेस्ट है, मे बी रेशो प्रोपोर्शन आप सबने पढ़ रखा होगा पहले से, ठीक है। खैर आप लोग ट्राई करना, 3:2, 2:1, 5:2 या 3:1। ये अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन की खास बात यह कि वेरिएबल से भरा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। पता आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को मुझे ऐसा लगता है अब तक में सॉल्व कर देते, बस वो कई बार ओवर क्रिएटिविटी में हम लोग काम खराब कर रहे होते हैं, जो मेरा कई बार कहना होता है। ईशान बहुत बढ़िया,
अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और उन्हें 15-20 सेकंड में ये समझ आ गया कि मतलब बिना एक्स माने नहीं हो सकता? यस और नो, कितने बच्चों को ये लगा कि भाई वेरिएबल तो लेना पड़ेगा? ये बात क्लियर हुई सभी को? ओके, भूमि मैं पढ़ता हूँ आपका मैसेज, बस एक मिनट देना। हाँ, ये बात सबको क्लियर हुई है कि क्वेश्चन, क्योंकि द रीजन इज, क्योंकि सर यहीं पर ही समझ आ गया कि रवि जो है, क्योंकि सर बात चल रही है रवि और करण जो पेस्ट्री खरीदते हैं, चॉकलेट और एक चॉकलेट पेस्ट्री खरीदते हैं, वेनिला पेस्ट्री खरीदते हैं, है ना। तो जैसे सर हमने क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ते जैसे ही दिखा स्टार्टिंग में कि रवि जो है वो करण से 9 ज्यादा खरीदता है, तो समझ में आ गया कि भाई एक्स लेना पड़ेगा, है ना, 9 ज्यादा करना है, है ना। चलो समझ आई ना बात? बढ़िया, तो पहले तो क्लियर होना चाहिए भाई यहाँ पर मेरे को एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपेरिजन है वो प्लस माइनस के सेंस में। खैर देखते हैं एक बार यहाँ पे, सबसे पहले चॉकलेट पेस्ट्री की बात कर लेते हैं। अच्छा, चॉकलेट पेस्ट्री का जो प्राइस है ना, इसका जो प्राइस है, क्योंकि बात इन द एंड वही चल रही है कि जो प्राइस है चॉकलेट पेस्ट्री का और वेनिला पेस्ट्री का, बताओ प्राइस क्या है? ठीक है, तो जो मान लो चॉकलेट पेस्ट्री है वो 30 रुपए की है और वेनिला पेस्ट्री 20 रुपए की है। रवि ने करण से 9 ज्यादा खरीदी है, तो मतलब करण ने, अगर मान लेता हूं मैं, कितनी पेस्ट्री खरीदी है, मान लो इसने पेस्ट्रीज खरीदी है के, कौन सी चॉकलेट पेस्ट्री के खरीदी है, तो इसने कितनी, रवि ने कितनी खरीदी होंगी? सर के प्लस 9 खरीदी होंगी, मानते हैं सभी इस बात को, राइट? ओके, फिर कहता है रवि ने टोटल 12 पे, फिर बाद में रवि ने वनीला भी खरीदी, बाद में रवि ने वनीला भी खरीदी, और टोटल वनीला कितनी खरीदी है? 12। तो मैं कह सकता हूं कि रवि ने ये जो 12 टोटल पेस्ट्री खरीदी है, अब उन 12 में से के प्लस 9 तो चॉकलेट वाली है, तो चॉकलेट वाली पेस्ट्री कितनी खरीदी? के प्लस 9। मैं बात कर रहा हूँ रवि की राइट नाउ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रवि की। तो रवि ने चॉकलेट पेस्ट्री कितनी खरीदी? के प्लस 9, ठीक। और वेनिला वाली कितनी खरीदी होंगी, क्योंकि खरीदी टोटल 12 है, तो वेनिला वाली कितनी खरीदी होंगी? सर 12 माइनस के प्लस 9, इतनी खरीदी वेनिला। सर चॉकलेट वाले का प्राइस कितना है? सी। तो सर यहाँ पर मल्टीप्लाई सी कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो सी, क्योंकि चॉकलेट का प्राइस सी है, तो ये हो गया कि चॉकलेट पेस्ट्री कितने की खरीदी। सर इस पूरे को मल्टीप्लाई करो वी से, तो ये समझ में आएगा भाई वेनिला पेस्ट्री कितने की खरीदी, राइट? अब ये अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या निकल के आ रहा है कि रवि ने जो चॉकलेट पेस्ट्री खरीदी और जो वेनिला पेस्ट्री खरीदी है वो कितने रुपए की खरीदी है। अब इधर आ जाओ अगले बंदे पे, अगला कौन है? करण है। करण ने चॉकलेट पेस्ट्री कितनी खरीदी थी? सर के खरीदी थी, ठीक है, और उसने टोटल 21 पेस्ट्री खरीदी है, तो उसने वेनिला वाली कितनी खरीदी होंगी? सर 21 माइनस के खरीदी होंगी, राइट। अब उसके बाद जो चॉकलेट पेस्ट्री है वो 30 रुपए की है, तो करण ने चॉकलेट पेस्ट्री के खरीदी 30 रुपए के हिसाब से, कितने की? सी के। वेनिला पेस्ट्री उसने 21 माइनस के खरीदी, कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये क्या बता रहा है कि भाई करण ने कितना पैसा पेस्ट्रीज पे खर्च किया। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्होंने स्पेंट इक्वल, इन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी खर्चा किया, मतलब रवि ने जो खर्चा किया और जो करण ने खर्चा किया सेम है, मतलब बीच में आएगा इक्वल टू। अब इसे कैलकुलेट, और अपने को क्या निकालना है, अपने को रेशो बताना है चॉकलेट से वेनिला का रेशो बताना है, मतलब सी अपॉन बी निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सी के प्लस 9C प्लस 12V, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा V और ब्रैकेट में 12 में से 9 गया 3 माइनस के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3V माइनस VK, ठीक है, ये CK प्लस 21V माइनस VK। तो सबसे पहले CK, VK, ये है मेरा 9C और ये इधर आकर के हो जाएगा 20, नहीं ये इधर आकर के हो जाएगा 18V, तो यहाँ से C अपॉन V कितना आ जाएगा 2/1, तो 2:1 आंसर है। बात आ गई समझ में सभी को? तो अगर कोई फटाक से वेरिएबल वाले ट्रैक पे चला जाए कि भाई मैं तो वेरिएबल लेके इक्वेशन ही बना दूंगा, वन लाइन इक्वेशन, वो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देगा, बाकी बच्चे अटक जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, मैं श्योर हूं इस बात पे, अपने पूरे एक्सपीरियंस से मैं बात कह सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया इस तरह का तो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारी आदत जो है, जो कि अच्छी आदत है, कि हम क्वेश्चंस में वेरिएबल नहीं मानते, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नंबर लेकर के सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं, बट हमें समझना है कि 90% क्वांट्स तो आप बिना वेरिएबल के कर सकते हो, बट तब भी 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर वेरिएबल लेने पड़ते हैं, क्लियर है बात। और यही 10% में से जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भले वो बहुत आसान हो तो भी हम नहीं कर पाते, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम उसमें कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं और फंसते हैं, मतलब हमें ये क्लियर नहीं होता कि कब वेरिएबल लेना है कब नहीं लेना है। आई गेस ये क्लियर हो गया था ना सभी को शुरुआत के 2-3-4-5 सेकंड में ही कि भाई ये वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बात प्लस माइनस के सेंस में, बहुत बढ़िया जी। बाकी यार हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना,
आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, ऐसे ही ये सब टेस्ट वेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट किया करो है, क्योंकि मजा रहता है। यहाँ मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, कमेंट सेक्शन में देखो टॉप पर लिंक है हमारे उस टेस्ट का, और ये टेस्ट होने वाला है आपका 18 जून को ये टेस्ट होगा। पहले मैं पोल शो करूँ यार, विजय 6 out of 6, क्या बात है विजय, और उदिता 4 out of 6, जैन 4 out of 6, ये हिसाब है भाई आप सबका, बहुत बढ़िया विजय यार, मुबारक हो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना विजय, ठीक है, कि कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूं, ठीक है, जोश में मत आ जाना। चलो बढ़िया, बाकी अच्छा स्कोर है, पूछ लो लक्ष्मण क्या डाउट है। वैसे तो टाइम हो गया लक्ष्मण, सर प्लीज रीड, हाँ पहले भूमि में आपको मैसेज रीड करता हूँ, एक मिनट देना भूमि बस। अरे यार वो कहाँ गई स्लाइड, हाँ तो यार 18th ऑफ जून को आपका 12 बजे 5 बजे दो स्लॉट में एग्जाम होने वाला है, एक 12 बजे एक 5 बजे टेस्ट होगा, पार्टिसिपेट जरूर करना, बहुत हाई लेवल पे इसको प्रमोट किया गया है, दुनिया भर के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग भी जरूर करना, एक अच्छा थोड़ा रिजल्ट यू नो रैंक वैंक पता लगती फील आता है, बेसिकली रैंक आप टॉप रैंक में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फील पूरे टॉप वाला आता है, ठीक है, तो इसलिए पार्टिसिपेट जरूर करना, 12 बजे 5 बजे 18 जून को होने वाला है, ठीक है। और ये हमारे 100 प्लस बच्चे जिन्होंने आई एम ब्लैक की कन्वर्ट किया, 650 प्लस बच्चे जो कि अदर टॉप एमबीए कॉलेज में पहुंचे, और अगर मैं बात करूं यार तो अभी राइट नाउ ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, वो भी बढ़िया ऑफर है, क्या मतलब सर, 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, मतलब आपका जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है उस पर 2 महीने फ्री, यानी कि 19,500, और अगर आप कैट 23 का आइकॉनिक लेते हैं तो आपको 30,000 के आसपास पड़ेगा। रेफरल कोड आप यूज कर लेना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, जो कि है RMN10, तो RMN10 ये रेफरल कोड यूज करना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। और अगर आप कैट 24 के हो तो 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कोड वही है RMN10। नाइट बैच एक बैच स्टार्ट हो रहा है कैट 23 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो बेसिकली वो बच्चे जो कि यू नो मतलब ठीक है कॉलेज गोइंग व्हाटएवर, तो रात का बैच प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए नाइट बैच स्टार्ट हो रहा है, 15th of June से बैच स्टार्ट हो रहा है। मेरा एक बैच है जो कि कैट 24 वाले बच्चों के लिए आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपके नोन में आपने से कोई कैट 24 का है तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, 15 जून से मेरा बैच स्टार्ट होगा। 6 मंथ का एक बूट कैंप होने वाला है, एक अभी जल्दी ही आपका एक बूट कैंप होगा जो कि 16 जून और 17 जून को होने वाला है, ये उसका पूरा टाइम टेबल है, ठीक है, इसको देख लेना, काफी कुछ चीजें आपको जानने और सीखने को मिलेंगी इस बूट कैंप से। और बाकी 1999 की टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, उसको आप ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और 10 आपको मंथली सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको 100% का फी रिफंड होगा अगर आपने कोई आई एम कन्वर्ट किया, मतलब एज अ रिवॉर्ड, और अगर आप नहीं कर पाते तो 1 साल का एक्सटेंशन आपको दे दिया जाएगा, ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप देख लेना। एंड बाकी ठीक है, ये हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक प्लस में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अनलिमिटेड एक्सेस पूरी आपका स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स पीडीएफ डिजिटल नोट 25,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक वगैरह। आइकॉनिक लेते हो तो GDPI बैट के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा और 8 फिजिकल बुक्स आपको मिलती है कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग अनअकैडमी के नोट्स, इन सभी बातों को ध्यान में रख के बनाए गए। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज यू कैपिटल आर कैपिटल अनअकैडमी _ रमन और RMN10 मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। चलो तो बाकी यार फटाफट से लक्ष्मण पूछ लो फटाफट क्या डाउट है, फिर मैं क्लास ओवर करूंगा, थोड़ा लेट हो रहा हूं मैं। हाँ सर, हेलो सर। भूमि एक बार अपना मैसेज आप दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्योंकि मुझे, हाँ बोलो लक्ष्मण। हाँ सर, मैंने पिंग किया सर, देख लो मैं। एक मिनट, हाँ लक्ष्मण पूछो क्या डाउट है इसमें। हाँ सर, ये एक्चुअली मैंने सर सॉल्व किया था इसको, एक्स प्लस वन मॉड का और एक्स माइनस टू मॉड का ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बाकी बच्चा लीव कर देना अगर करना है, ठीक है, बाकी और कुछ खास नहीं। हाँ बोलो। तो सर मैंने एक वन टाइम सर मैंने पॉजिटिव लेके सॉल्व किया, फिर नेगेटिव लेके सॉल्व किया सर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो सर मैं वही पूछ रहा था कि ऐसा सॉल्व करने के बाद मेरे को रेंज मिल रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से जाना होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है, एक आपका -1 है, एक आपका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। पहले आपको -1 के हिसाब से देखना कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग साइन बदलना है, फिर -1 से 2 के बीच में कौन पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से साइन लेने, और एक 2 से ऊपर, बेसिकली 3 केसेस बनेंगे, आपने 2 बना रखे यहाँ पे, 3 केसेस बनेंगे, ठीक है, फिर 3 केसेस में जो भी आंसर आएगा देन उसका कॉमन सॉल्यूशन। ओके, तो सर ये, हाँ सर वो आपका मेरे को पता है सर, आपने वो बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व करना है, तो मैंने सर ट्राई किया था कि जैसे मॉड का आपने बताया था ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 वैल्यू आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सर मैंने पूरे जो जैसे अभी ये सिर्फ
मॉड एक्स होता तो डायरेक्ट अपन कैसा प्लस और माइनस ले लेते थे, ठीक है, बट ये पूरा अभी मॉड एक्स प्लस वन है प्लस दूसरा मॉड भी है, तो मैंने पर वैसा आपके जैसे सॉल्व किया था उसमें कि पॉजिटिव लेके पूरा सॉल्व करके नेगेटिव लेके भी, बट मैंने फिर रेंज भी चेक किया तो जो दो मेरे को आया ना ग्रेटर देन थ्री और जो स्मॉलर देन माइनस टू, सर ये आपके सॉल्यूशन से मैच हुआ है, मैंने ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो भी हुआ, इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है, बाकी तरीके से तो लक्ष्मण आपको तीनों केस चेक करने हैं इसमें, ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू, चलिए, थैंक यू सो मच सर, I know your Telegram group. Okay. आप Telegram में कोई मैसेज कर दो, Telegram पे मैसेज कर दो भूमि, कुछ भी हाय हेलो टाइप का, ठीक है, अभी कर दो तो मैं आपको खुद पर्सनल मैसेज भेज देता हूँ एक बार, ठीक है, आप उस ग्रुप में है ना जिसमें आप मैसेज कर सकते हो, अच्छा मैं Telegram ग्रुप आपको शेयर करता हूँ पहले, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप भूमि, इसको आप ज्वाइन कर लो t.me/raman_10, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मतलब वहां पर आप मैसेज करना मुझे, बिल्कुल शिवम मैं करता हूँ, राय का मेरा डाउट, आपका क्या डाउट रह गया राय का, ठीक है, चल तो पहले भूमि आपको क्लियर है, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सर आपसे क्लास की बिल्कुल हो सकती है आदित्य कर लेना, ठीक है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं एक चैट ग्रुप का मैसेज भेजता हूँ, ठीक है, एक चैट ग्रुप का, उस चैट ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर कुछ भी मैसेज कर दो हाय हेलो टाइप, वहां पे मैं आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल शिवम मैं रिप्लाई करता हूँ, राय का मेरा डाउट, क्या डाउट है राय का आपको बताओ, मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे शिवम, कल टाइम मिलेगा मैं एक बार बात करूंगा, ठीक है सर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए रेगुलर क्लास वुड बी बेटर और शुड आई कवर फ्रॉम पास्ट, रेगुलर करना राय का, अभी आने वाले टाइम पे एक बार एलजेब्रा हो जाए फिर मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कराऊंगा, तो वहां से लाइव क्लासेस को फॉलो करना, बाकी सब आपने कर लिया जितना भी अवेलेबल है हमारे पास, चाहे वो टाइम एंड वर्क वगैरह वगैरह चैप्टर है, उन सबको कर लो, अगर कुछ बैकलॉग रहते हैं वो कंप्लीट कर लो, बाकी मैं भी कराऊंगा वहां से आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, चलो बिल्कुल उस पर बात करते हैं, ओके बढ़िया, ओनली मॉडर्न मैसेज, बढ़िया, ठीक है, ओके बाय, हाँ टेक केयर जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।